दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना सत्य साधना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खास विद्वान व्यक्तित्व और धर्म अध्यात्म चिंतन के ज्ञाता आचार्य पंडित मनोज कुमार अवस्थी। आज हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर राजस्थान से ये महान विद्वान पहुँचे हैं और शुक्राना महान व्यक्तित्व उमा शंकर गौड का, जिनके बदौलत आज हम इनसे मिल पाए हैं। ये बालाजी धाम का क्षेत्र है, यहाँ पर हम इनके साथ एक चर्चा कर रहे हैं, तो आप बने रहिएगा। बहुत ही खास खास जानकारियाँ आप तक पहुँचेंगी और आपके दिल और दिमाग के खिड़की दरवाजों को खोल लीजिएगा, क्योंकि आज आपके जीवन के अंदर बहुत ही खुशियों भरा समा आ रहा है। ये लम्हा, ये क्षण, ये पल आपके जीवन को खुशहाल बना देगा। तो आप अपने जीवन को यदि वास्तव में खुशियों से भरपूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर अलौकिक आनंद की अनुभूति हो, आप चाहते हैं आपके संकट कट जाएं, आप चाहते हैं आपको आरोग्य मिल जाए, शांति मिले, उन्नति मिले, प्रगति मिले, तो फिर आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके सामने बहुत ही एक खास व्यक्तित्व चर्चा में हैं और ये आपका और हमारा सबका मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ आचार्य पंडित मनोज कुमार अवस्थी जी, आपका सत्य साधना के ऊपर आपका स्वागत है साहब जी। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के आज के समय को आरंभ किया। तो शुरुआत करते हैं मनोज शास्त्री जी के साथ में, जो आचार्य जी हैं हनुमानगढ़ जंक्शन से यहाँ पर आते हैं और कानपुर से इन्होंने अपनी विद्या को जो है ग्रहण किया। सनातन धर्म का संदर्भ लेकर के हम शुरुआत करेंगे। तो आचार्य जी, ये बताएं कि वर्तमान के अंदर जो सनातन धर्म है, इसका आप महत्व क्या मान रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहीं से शुरुआत करते हैं। श्री हरि की कृपा से जी, सनातन धर्म वो कहते हैं जिसे अनवरत चलने वाला, जिसकी कोई संख्या ही न बनी हो, उसी का नाम सनातन धर्म है। अन्य धर्मों का शास्त्रों में, पुराणों में उल्लेख आया है। हर धर्म की संख्या नापी गई है कि कोई 500 वर्ष से चलता आ रहा है, कोई 2000 वर्ष से चलता आ रहा है, कोई 400 वर्ष से चलता आ रहा है, परंतु ये सनातन धर्म एक ऐसी अवधि है जिसका कोई माप नहीं है। जिस प्रकार से माँ भगवती की कृपा से संसार में उत्पन्न हुए हर जीवों पर माँ के प्यार का कोई पैमाना नहीं बना है, उसी प्रकार सनातन धर्म की संख्या का कोई विधान बना ही नहीं है। अच्छा, अभी आप यहाँ पर एक जो हवन यज्ञ जो कर रहे थे, उसका क्या नाम था जी? माँ भगवती की कृपा से, हाँ जी, शतचंडी महायज्ञ इस हरियाणा पावन क्षेत्र पर, जहाँ भगवान कन्हैया ने आकर के इस कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल की भूमि को चुना, क्योंकि आसपास रहने वाले अनंत प्रकार के खलों को एकत्रित करके यहीं पर उन्होंने सुनिश्चित एक दिव्य जगह का विचार करके भगवान कन्हैया ने युद्ध स्थल की घोषणा करके इस भूमि को चुना। आज उस पावन नगरी पर आज भी कृष्ण कन्हैया का अस्तित्व और शक्ति की कृपा का वास रहता है, जिस पर अनंत प्रकार के युद्ध होने पर अनंत प्रकार के जीवों का, महान योद्धाओं का यहाँ पर मरण हुआ, हनन हुआ, रक्त की नदियाँ बह चली, जिसके कारण आज भी हरियाणा प्रांत में पितृदोष का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा, ये जो आपने यज्ञ किया, इसका
महत्व क्या है, मैं चाहूंगा संक्षिप्त के अंदर, सवाल बहुत ज्यादा मेरे पास में आ रहे हैं। माँ भगवती की कृपा, भगवान कन्हैया की कृपा से, मैंने बताया भगवान कन्हैया का जब अवतार हुआ है, हाँ जी, उसी समय उसी अष्टमी तिथि पर माँ भगवती महामाया का भी अवतार हुआ है। नौ रूपों में परिणित होकर के माँ भगवती को, माया को भगवान कन्हैया ने कहा था, हे महामाया आप मेरे इस लीला में जन्म मेरा सहयोग प्रदान करें, हे माई, हे महामाए, मैं आपको वरदान देता हूँ कि कलिकाल में हरियुगों में तुम्हारी कीर्ति गाई जाएगी, दुर्गा देवी के नाम कंजकायाम अनंत प्रकार के नामों से तुम्हारी कीर्ति घर घर तुम्हारी पूजा होगी। तब से माँ भगवती के नौ रूपों की नवरात्र की पूजा घर घर में मनाई जाती है। उसी लक्ष्य पर कलिकाल में करो की त्रा चंडी पाठन पनंद वेद, कलिकाल के अंदर महामाई चंडी की उपासना, शत चंडी के नाम से महायज्ञ कराया गया। अनंत प्रकार के भक्त अपने अपनी कामना को जोड़कर करते हैं। यहाँ पर जो ये हुआ है, ये सर्वलक्ष्य सिद्धि के लिए हुआ है, साथ में जो पद उच्च पद की प्राप्ति के लिए सम्माननीय हमारे श्री राजेश जी पहलवान जी ने सतचंडी महायज्ञ को करवाया ताकि उनके जीवन का परम लक्ष्य सिद्ध हो सके। इसी प्रकार जन जन में हर प्राणी जो भी सतचंडी यज्ञ को ही नहीं, जैसे जैसे एक शास्त्र कहते हैं एक स्थान पर जहाँ सतचंडी हो जाती है उस स्थान पर दोबारा सतचंडी नहीं होती है, सतचंडी की जगह सहस्त्र चंडी, लक्ष्य चंडी, कोटि चंडी, अनंत चंडी, अनंत का जहाँ नाम आता है, जैसे सनातन में कोई संख्या नहीं, अनंत में कोई संख्या नहीं, ये चंडी यज्ञ करने में कलिकाल में बहुत ही लाभप्रद है। और अच्छे विद्वानों के द्वारा शुभ मुहूर्त में कामना वश हर काम, हर पूजा पाठ दो प्रकार का संकल्प होता है, एक सकाम, अच्छा, एक निष्काम जी। ये अनुष्ठान सकाम पूर्वक चला है, लेकिन भक्ति दोनों प्रकार से बाही गई है, सकाम से भी निष्काम से भी। अच्छा, ये एक जैसे आपने बताया कि माता की जो है स्तुति गायन हुआ, लेकिन आज इस पुरुष प्रधान समाज के अंदर सबसे बड़ा एक संकट आ गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हत्याएँ जो है भ्रूण के अंदर कन्याओं की हो रही है। बस यही तो बात विडम्बना है प्रभु, इस पर तो आपने बड़ा मुझे चिंतन में डाल दिया है। भ्रूण गर्भ से बोली कन्या, भ्रूण गर्भ से बोली कन्या, माँ तुमने मुझको मरवाया, और माँ बनने से पहले ही माँ तुमने मुझको मरवाया। ये भारत में ऐसी विडम्बना है, एक साइंस के द्वारा जो साउंड चला अल्ट्रासाउंड, जिसमें ख्याति हो जाती है, जानकारी हो जाती है कि कन्या है और ये पुत्र है। हम शास्त्रवत विधान बता रहे हैं इस संसार में पुत्र से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। पुत्र से जन्म से लेकर पुराणों में, शास्त्रों में आज तक किसी भी राजा महाराजाओं को किसी को सुख आनंद प्राप्त ही नहीं हुआ, कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि जब जब संकट मिला है तो संसार में सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो बना वो पुत्र ही है। जन्मत ही धारा हरियो पीछे भोजन सैन, था पीछे संपदा हरी सुत से बैरी कौन। तो याद रखिए, जो जो गुरु कर्म कराते हैं उनको भी निवेदन करना चाहता हूँ, बेटियों से इतिहास एक से एक महान इतिहास ग्रसित हुए हैं। पहले देहूति, आकुति, माँ प्रसूति जैसे इन देवियों के द्वारा वंश चलाए गए, अनंत प्रकार की देवियों के द्वारा वंश वृद्धि में सहयोग दिया गया, तो माताओं का नाम भारत देश में श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ हर संसार के प्राणियों से कि कन्याओं का हनन ना करें, भ्रूण गर्भ बिल्कुल ना करें। भ्रूण गर्भ से बड़ा जघन्य अपराध पाप और कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि कन्याएं भ्रूण हत्या से बड़ा पाप संसार में। कन्याओं से जब चाहोगे आप हर सुख की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु पुत्रों से कभी सुख प्राप्त नहीं होता, ये सत्य है। आप जीवित सुख नहीं प्राप्त करते, मरण की कामना करते, पुत्र रहेगा तो पितृ तर्पण कर देगा, फिर भी लोग पुत्र चाहते हैं। आप कहेंगे गुरुदेव फिर भी पुत्र क्यों चाहते हैं, जिसकी यही कामना है, माँ के उदर में गर्भ में जीव है तो यही कामना है, मन मुझे पुत्र चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। बेटी कोई नहीं मांगता है, बेटी होना बहुत जरूरी है, चाहता कोई नहीं, हो जाती बड़ी मजबूरी है। फिर भी निवेदन करता हूँ श्रद्धा से कन्या का उत्पन्न करें। अरे भारत में
कन्या नहीं होगी, बेटी नहीं होगी तो बहन कौन बनेगी, बहन नहीं होगी तो किसकी अर्धांगिनी पत्नी कौन बनेगी, जब पत्नी नहीं बनेगी तो किसी की माँ कैसे बनेगी। इसलिए कन्या का शुद्ध व्यवस्थित पालन और जन्म का विधान बनाएं, यही मेरा निवेदन है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। भी जो कन्या है हमारी, जो है देवियाँ, जो माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, अन्नपूर्णा के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, माँ गौरी के रूप में, माँ काली के रूप में, अनेकों प्रकार की जो पूजा होती है वो हम देवियों की पूजा करते हैं और देवी कन्याओं से प्रकट होती हैं। तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। अब एक छोटा सा सवाल समाज की दृष्टि से मैं बात करने जा रहा हूँ। सामूहिक परिवार पहले होते थे, संयुक्त फैमिली हुआ करती थी, संयुक्त परिवार होते थे, आज एकल परिवारों की संस्कृति आरंभ हो गई, इसको आप कैसे देखते हैं, इसका भविष्य क्या होगा? संसार में शास्त्र कहते हैं कि संगे शक्ति कलो युगे जी। शास्त्र सत्युग से विधान आ रहा है कि हम संयुक्त परिवार एक साथ रहा करते थे, और शास्त्र आगे के लिए उदाहरण देता है कि संगे शक्ति कल युगे, कलिकाल में भी एकत्र होकर के साथ रहने में बड़ा फायदा है। परंतु जो इस संसार कलिकाल का प्रभाव होने के कारण हर प्राणी केवल उदर पूर्ति के कारण घर घर में जन जन में कलह मचा हुआ है, मैं अलग रहूँगा, अपना परिवार लेके अलग रहूँगा, ये भ्रांतियाँ भारत देश में ठीक नहीं है। परिवार एकत्रित होकर के रहना ही श्रेष्ठता थी, श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता रहेगी। इसको हम संक्षिप्त में जानना चाहें तो किस प्रकार से जो है एकल संस्कृति के नुकसान क्या है, संयुक्त फैमिली के जो फायदे क्या हैं, इनको एक एक लाइनों में। संयुक्त परिवार का यही विधान है, हर समस्यात्मक चिंतन पर, विपत्ति पर या किसी भी उत्थान पर संयुक्त परिवार का सहयोग होना बड़ा ही लाभकारी है, और किसी प्रकार का आपत्तिजनक संकट को निमंत्रण देना ही अलग अलग विभक्ति हो जाना, बट जाना, ये मुसीबत का निमंत्रण का विधान है। इसलिए अलग अलग रहने का विधान मन में विचार ना किया जाए। अच्छा साहब, एक सबसे बड़ी बात अब जो करने जा रहे हैं, वर्तमान के अंदर धर्म की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, धर्म के बड़े प्रचार हो रहे हैं, जगह जगह अनुष्ठान हो रहे हैं, उसके बाद भी अधर्म ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? उसका कारण ये है कि कलिकाल ने जिस समय चार जगह स्थान मांगा था, उन चारों स्थानों पर रहने के बाद उन्होंने अंतिम में राजा परीक्षित जी से पंचम स्थान स्वर्णवास मांग लिया। अच्छा। स्वर्णवास मांगने के कारण इस संसार में हर प्राणी रत्न के आकांक्षी रहते हैं, चाहत रहते हैं, इसलिए धर्म कर्म से सदा ही विलिप्त होते जा रहे हैं, कोई भी लिप्त होना नहीं चाहता उस कलिकाल का प्रभाव। जबकि कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा का विधान है, परंतु जितना सतयुग द्वापर त्रेता में एक एक पैर से अंगुष्ठ मात्र से खड़े होकर के साधना करते थे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती थी, इस कलिकाल में केवल नाम मात्र से प्रभु का प्राप्ति का लक्षण होता है। तो जितना ज़्यादा अधर्म फैल रहा है उतना ही ज़्यादा धर्म का प्रचार भी हो रहा, जो कि कलयुग का प्रभाव है कि नाम से परमात्मा की प्राप्ति का लक्षण बनेगा, उसमें बसो एकांत में जाकर धरो ध्यान नित ईश्वर का, रोग मन की चपलताई देख घट में उजारी है, देख घट में उजारी है, इसलिए कलिकाल में अधर्म का विस्तार ज़्यादा होता जा रहा है। अच्छा, ये धर्म के नाम पर जितने भी हम प्रचार देख रहे हैं, जितने भी कोई संस्थान बने हुए हैं, उनके जो कुछ एक सिरमौर हैं जेल के अंदर पड़े, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आवश्यक भी नहीं है नाम लेना, ये संसार मृत्यु लोग है और कलिकाल में धर्म पर ही ज़्यादा आघात होता है, कलिका प्रभाव धर्म पर ज़्यादा है, इसलिए धर्म पर लोग ज़्यादा जोर देते हैं। ये कर्मों की खेती है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, ये सत्य है। हिंदुस्तान हमारा श्रद्धा भक्ति का प्रतीक है, बिना सोचे समझे धर्म के प्रति जिसके पाछे चाहता है सतगुरु नहीं लेकिन गुरु समझकर पीछे पड़ जाता है, इसलिए कर्मों के आधार पर उनको भुगतना पड़ेगा। प्राणियों को समझना चाहिए कि धर्म की जड़ पाताल में है और पाप की जड़ अस्पताल में है, अपना बचाव करके धर्म सत्य निष्ठा पर ही लगाए रखें। अच्छा, ये जो धर्म की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, ऐसा क्या है कि हमें बार बार धर्म का ही जिक्र करना पड़ता है? उसका कारण है, भागवत के अंदर
स्पष्टीकरण आया है कि कलि में भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो अधर्म सदा धर्म की आड़ में छिपेगा। अधर्म सदा हमारे कहना नीचे मैं कह रहा हूँ, मैं किसी एक के लिए नहीं, जहाँ राजनेता है वहाँ अधर्म और पाप ज्यादा ठहरेगा। इसलिए कल्कि अवतार में सर्वप्रथम परमात्मा का संहार और शस्त्र का प्रयोग संत महात्माओं ब्राह्मणों पर होगा, जो धर्म के ठेकेदार जहाँ पर पाप ज्यादा आश्रय लेता है और जहाँ जहाँ राज देता है वहाँ पर अधर्म का ठहराव होता है, पापी पाप कर करके वहाँ ठहर जाता है, तो परमात्मा उन्हीं का सबसे पहले विनाश का मूल कारण बनेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा वहीं से सत्युग की प्राप्ति होगी। ये जो हम धर्म की बात कर रहे हैं, आपको बार बार हर जगह पर ये प्रचार करने का मौका मिल रहा है, इसका वातावरण के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, थोड़ा इसका महत्व क्या है वो बताओ। मैं तो ये आपको महत्व बताना चाहता हूँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जिस प्रकार से बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये जीव का एक कर्म क्रिया बन चुकी है, उसी प्रकार बार बार धर्म का प्रचार करने से उसके पुण्य कुछ न कुछ जगेंगे, परंतु अधर्म जरूर पाप वहाँ आश्रय लेता है, कलि का प्रभाव इसलिए आश्रय लेता है। इसीलिए भारत देश में हमारे संस्थाओं ने, अच्छे से धर्म विद्वानों ने, बुद्धक विद्वानों ने साहित्य और संगीत को दोनों को मिला दिया है ताकि अधर्म का वासना हो सके। फिर भी अधर्म अपना सर चढ़ के बोलता है, कुछ न कुछ प्रभाव दिखाता है, उससे पापों की नष्टता तो होती है धर्म से, लेकिन कुछ न कुछ अधर्म के कारण परिवार पर अंश आ जाने पर समाज में भ्रांतियाँ। अच्छा मनोज जी, मैं आपसे आचार्य मोदी ये जानना चाहूँगा कि कुछ एक हम आपसे व्यक्तिगत सवाल पूछ सकते हैं क्या? आवश्यक। ओके, तो आपके जीवन के अंदर जो है ये जो सफरनामा है, इसके अंदर उतार चढ़ाव तो आए होंगे। जीवन महाराज यही उतार चढ़ाव का ये जीवन ही है। जब कोई घटता बढ़ता, निश्चित हमारा सूर्य का प्रक्रिया देख लीजिए, जब निकलता है तो बढ़ता है, जो जो दिन घटता है सूर्य घटता है, उसी प्रकार हर प्राणी के जीवन में जन्म से लेकर मरण तक कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो प्राणी उत्थान की ओर भी जाता है और कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जो पतन की ओर जाते हैं। आपके जीवन के अंदर जो है ये आपने किताबों का पढ़ना और इन जो है धर्म और संदेशों को देना ही क्यों स्वीकार किया? प्रभु जी कर सकते हैं, ये तो माता पिता का आशीर्वाद है, और ये ना कर्म बड़ा है ना भाग्य बड़ा है, सबसे बड़ा है समय। समय ऐसा परिवर्तनशील बना कि विद्यालय में अध्ययन करने जाते थे, संगत संगत से गुड़ जात है, संगत से गुड़ आत, संगत ऐसी कुसंगत में रत हो गए कि हमारी शिक्षा सीमित रह गई, जो स्कूलों की शिक्षाएं हैं। विद्या और शिक्षा के बारे में जो आप पूछ रहे थे बड़ा अच्छा लगा, शिक्षा आप किसी के द्वारा भी देने के लिए आजकल तैयार हो जाता है प्राणी, विद्या विद्यालय में प्राप्त होती है, और गुरु शिक्षा दीक्षा विद्या इस सतगुरु के चरण में मिलती है, जिससे कहा गया है विद्या बुद्धि से श्रेष्ठ है। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, दाई अक्षर जो पढ़े मानो पंडित हो। पंडित एक उपाधि है, ब्राह्मण एक जाति है, इसलिए याद रखिए शास्त्री आचार्य एक डिग्री है, परंतु पंडित कोई भी बन सकता है, यहाँ जाति का कोई विधान नहीं, ब्राह्मण एक जाति है। तो ये धर्म की विशेषता और शिक्षा और दीक्षा का बधाई बधाई, और बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाती है, साधना और तपस्या के बल पर बुद्धि और विद्या दोनों प्राप्त हो जाती है, और शिक्षा के लिए तो मैं घाट घाट घर घर जाने की आवश्यकता पड़ेगी और पड़ रही है। अच्छा बार बार हम हर बार जब इन सकारात्मक चिंतन को बोलते हैं, इसका मन मस्तिष्क पर प्रभाव क्या पड़ता है? पुनरावृत्ति करें शब्दों को। हाँ दोबारा सुन लीजिए कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के, एक सकारात्मक चिंतनशीलता को लेकर के जब विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो इसका सामने वाले पर प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका एक ही प्रादुर्भाव जी, हम सकारात्मक चिंतन परमात्मा के प्रति स्वयं जब करते हैं, हमारा मन पवित्र है, हमारी आत्मा शुद्ध पवित्र है, अगर हमारा ध्यान प्रभु के चरणों में शुद्ध विचारों से है तो उसी दृष्टि से हमें सबको दिखाना चाहेंगे। आईना लगा हुआ है, आईने में देखने की एक कला होती है, कैसे दुनिया में आने वालों की तकदीर बदलती रहती है, दुनिया में आने वालों की
तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहता है मगर तस्वीर बदलती रहती है। परमात्मा की कृपा से हम जैसे हैं वैसा बनाना चाहते हैं सकारात्मक चिंतन से, उसमें प्रभु की कृपा और साधना की आवश्यकता है, न शिक्षा का कोई रोल नहीं है। आपके जीवन के सबसे बेहतरीन कोई ऐसी बात बताओ जो रह रह करके आपके दिल के करीब हो। बस प्रभु जी, हमारे जीवन का एक ही है कि हमारे माता पिता की कृपा आशीर्वाद सदा बनी रही है, रहती है। और संसार के जितने श्रेष्ठ भक्तजन हैं, मैं तो एक दृष्टि से देखता हूँ, सी राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए सबसे कामना चाहता हूँ और यही आशीर्वाद की कामना करता हूँ, सबकी कृपा बनी रहे ताकि जीवन में हमारा वो क्षण सदा प्रसन्न चित्त बना रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे साथ में महान विद्वान आचार्य पंडित मनोज कुमार जी यहाँ पर पहुँचे, राजस्थान से थे, इन्होंने कानपुर से जो है अपनी पढ़ाई पूरी की है, और बहुत बहुत शुक्रिया है आपको। हम फिर कभी दोबारा मुलाकात करवाएंगे, आज इन्होंने बड़ा कीमती समय दिया है। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय दिया है। अंत में आप कोई अपना संदेश नौजवानों को दो तीन पंक्तियों में दें, अंत में इसको उपसंहार है। पूरे के पूरे आपका जो साक्षात्कार हुआ है इसका एक निचोड़ जो है सारगर्भित है, आपकी बात, आपका संदेश, और ये आपका जनता के नाम, पूरे विश्व के नाम एक संदेश, पूरे भारत और विश्व के लिए एक संदेश है। परम शांति और श्रद्धा प्राप्ति के लिए अधिक से अधिकम मौनम, जितना ज़्यादा मौन रह करके साधना करी जा सकती है, जहाँ संसार में लगे कि हमारे द्वारा विघटन होने वाला है, वहाँ मौन रह करके प्रसन्न चित्त हो जाएं, अपने जीवन को लाभान्वित करें, इससे इनका जीवन सदा कल्याणकारी बने। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपने देखा सत्य साधना ज्ञान ज्योति दर्पण के चैनल पर पंडित मनोज कुमार हमारे साथ, आचार्य जी बहुत ही खूबसूरती के साथ में अपने सवालों के जवाब दे रहे थे और आप तक एक संदेश पहुंचा रहे थे। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ में, हम फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में, एक नए कार्यक्रम के साथ में। दीजिए इजाज़त, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook पर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें Instagram, Twitter, Facebook पर फॉलो भी कर सकते हैं, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश और दुनिया की खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट sggjdnews.com पर लॉगिन करें।